सब्सक्राइब कीजिए राहुल मकरानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Game show. Thank you so much, ladies and gentlemen. आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज इस अवार्ड फंक्शन के ऊपर। 13 years के बारे में जो बात हो रही थी, definitely जो 13th year है वो वेस्टीज के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ईयर है, क्योंकि पहली बारी कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आई है और वो है वेस्टीज, और वो भी 13वें साल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, और बहुत जल्दी वी विल बी नंबर वन। मोस्ट प्रोबेबली इन 2 years टाइम हम नंबर वन जरूर होंगे। थैंक यू। 13 साल के अंदर जब हमने कदम लिया, यू नो 13 को कहते हैं कि यू आप स्टेप कर रहे हैं टीन एज के अंदर, राइट? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तो हम जवान हो रहे हैं, हाँ या ना? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की हमारी इस अवार्ड फंक्शन के ऊपर, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ आके। मेरा ख्याल से 4 साल के बाद मुझे फिर मौका मिला है गुजरात के अंदर आने के लिए, और मैं आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो बेहतरीन काम आपकी लीडरशिप ने और आपने किया है, जिसने कंट्रीब्यूट किया है वेस्टीज को इतना ऊपर ले जाना, मेरे ख्याल से जोरदार तालियां फॉर एवरीबॉडी इन द ऑडिटोरियम ओवर हियर। गुजरात की जो देन है वेस्टीज को, वो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसको शायद कोई निगेट नहीं कर सकता, क्योंकि गुजरातियों की तो बात ही खास होती है, हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? Yes. You know, भारत को सबसे बड़ी देन गुजरात की कौन थे? महात्मा गांधी, राइट? सरदार पटेल, जिनको कहा जाता था कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट? और एक और बहुत बड़ी देन है, कौन? कौन? हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कंट्री को लीड कर रहे हैं एक अलग ही दिशा में। पूरी दुनिया में भारत का पूरा नक्शा बदल दिया, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बदल दिया, डीमोनेटाइजेशन कर दी, मेक इन इंडिया कर दिया, जीएसटी कर दिया। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, राइट? तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। अगर आप लीडरशिप के अंदर देखें तो गुजरात ने कितने बेहतरीन लीडर्स इंडिया को दिए, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी छाप बनाई, और उन्होंने काम किया अपने लिए नहीं, उन्होंने काम किया अपने देश के लिए, राइट? ना ही सिर्फ पॉलिटिकल अरीना में देखो, अगर आप बिजनेस अरीना में देखो, हमारे इंडिया के नंबर वन इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी, वो कहां से? यू टॉक अबाउट गौतम अदानी एंड यू टॉक अबाउट एनीबडी एल्स, गुजराती का जो बिजनेस करने का एक्यूमन रहा है वो अनपैरेलल्ड है। जहां पे जाते हैं वो सफल होते हैं। यू टॉक अबाउट कीनिया, यू टॉक अबाउट युगांडा, यू टॉक अबाउट वेरियस अदर कंट्रीज, जहां पे गुजराती ने पूरी पूरी कंट्री चलाई। यूएस में देख लो, हर जगह देख लो। मैं इन सब लीडरशिप की तुलना मैं वेस्टीज के लीडर्स के साथ करना चाहूंगा, जिन्होंने बेहतरीन काम कर रहे हैं।
अपने लोगों को एक आर्थिक आजादी दिलाने के लिए. आई रियली सैल्यूट जो आप लोगों की लीडरशिप है, जिस प्रकार से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी बेहतरीन मदद करके ताकि आप उनको आगे ले जा सके. राइट, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दैट. जो बाकी सब लोग हैं जो आज आपके लिए अवार्ड फंक्शन हुआ है, आई मस्ट से कि हमें बहुत खुशी है कि आपने इतनी मेहनत और इतनी लगन से यहां पे काम किया ताकि अपने लिए कैरियर बना रहे हैं. और मैं एक चीज जानता हूं कि काम करना आसान नहीं है, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीडेवलप करना पड़ता है ताकि आप अपने आप को आगे ले जा सके. राइट, अगर सफलता चाहते हो, जो मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका. अगर आप सोचने का तरीका बदलते हो आपको अच्छा दिखाई देगा, अच्छा सुनाई देगा, आप अच्छा बोलेंगे और जिंदगी में हमेशा अच्छे राह पे चलेंगे. इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच. मेरा पुराना स्टाइल, शुक्र है हाँ कह दिया, क्योंकि अगर ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता. राइट, ये कहानी इस साल की एडिशन है. जो पुरानी है कहानियां वो नहीं सुनाना चाहूंगा, जो इस साल आज तक मैंने सुनानी शुरू की है हर अवार्ड फंक्शन में. दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्त जो बचपन में इकट्ठे खेले बड़े हुए, इकट्ठे स्कूल गए, एक ही कॉलेज में गए. ग्रेजुएट करने के बाद उनको एक ही कंपनी में नौकरी मिली और वो नौकरी थी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की. जो दो दोस्त थे उनमें से एक का नाम था जगन और दूसरे का नाम था चमन. राइट, हुआ क्या कि दोनों बहुत मेहनती लड़के थे, मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे, कंपनी को काफी अच्छी ग्रोथ उन्होंने दी. और लगभग 3 साल के बाद क्या हुआ कि जगन को प्रमोशन मिल गई और चमन को प्रमोशन नहीं मिली. आप भी सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, दोनों उतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर दूसरे को प्रमोशन मिल जाए और आपको ना मिले तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. वही चीज चमन के साथ भी हुई, पर वो आदमी एक अलग चीज का बना हुआ था. उसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं और ज्यादा काम करूंगा और देखूंगा कि जो मुझे सफलता चाहिए वो कैसे नहीं मिलेगी. जो पहले मेहनत करता था उससे उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी. हुआ क्या कि 3 और साल बीते, जगन को एक और प्रमोशन मिल गई और चमन को प्रमोशन नहीं मिली. जब प्रमोशन नहीं मिली, उसकी तरक्की नहीं हुई, तो चमन ने एक बात सोची कि शायद ये कंपनी जो है ये मेरे काबिल नहीं है, ये अच्छे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती, शायद चमचागिरी जो बॉस को पूछते हैं उन्हीं को प्रमोशन मिलती है. तो उसने रेजिग्नेशन लिखा और उसने जाके अपने बॉस के टेबल के ऊपर मारा. उसने कहा, बॉस आज से मैं आपकी कंपनी का काम नहीं करूंगा और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन, क्योंकि तुम्हें कदर नहीं है उन लोगों की जो मेहनत करते हैं. बॉस बहुत एक सेंसिबल आदमी था, वो चमन के डिलेमा को समझता था कि उसमें क्या चल रहा है और वो ये नहीं चाहता था कि चमन उनकी कंपनी छोड़ के जाए. तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको बताता हूं कि आपके अंदर क्या कमी है जिसके करके आप आगे नहीं बढ़ सक रहे. और चमन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, जगन को क्यों मिल रही है? उन्होंने उस टाइम पे जगन को भी बुलाया और चमन को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को एक काम देता हूं कि जाके देख के आओ कि क्या कोई आदमी बाहर तरबूज बेच रहा है. तरबूज समझते हैं? गुजराती में तरबूज को क्या बोलते हैं? तरबूज. पर कैलकटा चले जाओ तो उसको बोलते हैं तोड़बूज. राइट, कि तोड़ मोड़ के बूज. तो उसने कहा बाहर जाके देख के आओ कि कहीं कोई आदमी तरबूज बेच रहा है. दोनों बाहर गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बॉस ने चमन से पूछा कि चमन क्या कोई आदमी बाहर तरबूज बेच रहा है? उसने कहा हां साहब, एक आदमी है जो तरबूज बेच रहा है. उसने कहा तरबूज की कीमत क्या है, किस रेट दे रहा है? उसने कहा देखो बॉस, मैंने तो पहले रिजाइन कर दिया है और मुझे और तंग करने की कोशिश मत करो. आपने मुझसे क्या पूछा था? आपने मुझे जो काम दिया था वो काम ये था कि जाके देख के आओ कि कोई आदमी तरबूज बेच रहा है. मैं देख के आ गया, हाँ एक आदमी तरबूज बेच रहा है, मेरा काम खत्म. अगर आपको ये भी जानना था कि इसकी कीमत क्या है तो पहले पूछा होगा. Yes.
बॉस ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने जगन से पूछा, जगन कि क्या कोई आदमी बाहर तरबूज बेच रहा है? उसने कहा तरबूज किस रेट पे है? उसने कहा तरबूज का रेट है सर 20 रुपए किलो। अगर आप 10 किलो खरीदोगे तो आपको 15 रुपए पर किलो रेट लगेगा। उसके जो ठेले पे तरबूज है वो 160 तरबूज उसके पास ठेले पे है। उसके गोदाम के अंदर लगभग 250 तरबूज और हैं। सारे के सारे तरबूज मीठे हैं और 2 दिन पहले ही साउथ से आए हैं। आपको पता चला? कि चमन को प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही थी और जगन को क्यों मिलती थी?